हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा तिवारी और आप सभी का स्वागत है सीजीपीएसई नॉलेज चैनल पर। मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसके फंक्शंस के बारे में। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना के लिए क्या इतिहास रहा है उस पर एक नज़र डालते हैं। तो आरबीआई के एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो सर्वप्रथम प्रयास था वो 1914 में किया गया। देखिए, ब्रिटिश काल में भारत तीन प्रेसिडेंसियों में विभाजित था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। तो एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था चैम्बरलेन कमीशन। तो चैम्बरलेन कमीशन ने यह सुझाव दिया कि तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स को मिलाकर एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाए या एक साझा बैंक की स्थापना की जाए और इस बैंक का नाम रखा जाए इम्पीरियल बैंक। तो इसी सुझाव के आधार पर 1921 में इम्पीरियल बैंक की स्थापना की गई। तो ये जो इम्पीरियल बैंक था वो उस समय केंद्रीय बैंक था ही, लेकिन इसके साथ ही यह एक व्यापारिक बैंक था जो कि केंद्रीय बैंक के रूप में किस प्रकार कार्य कर रहा था कि वो सरकारी बैंकर था और बैंकों का बैंकर था। हम देखेंगे बैंकों का बैंकर किस प्रकार से कहा जा रहा है। तो क्या था कि इम्पीरियल बैंक जो है वो स्थायी तौर पर या फिर पूर्ण रूप से सेंट्रल बैंक नहीं था। तो इसीलिए 1926 में एक और कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। और इस हिल्टन यंग कमीशन ने केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गठन की संस्तुति दी। तो हिल्टन यंग कमीशन का एक दूसरा नाम है रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। तो याद रखिएगा, यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस नाम का सुझाव किसने दिया था, तो उसका सुझाव दिया था हिल्टन यंग कमीशन ने। और या फिर हिल्टन यंग कमीशन के बजाय यदि आपको दिया गया है ऑप्शन में रॉयल बैंक ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, तो आंसर भी वही होगा, दोनों ही सही हैं। तो इसने हिल्टन यंग कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसको केंद्रीय बैंक के रूप में और भी कुछ कार्य करने चाहिए, जैसे कि नोटों का निर्गमन हो गया या फिर विदेशी मुद्रा विनिमयन जो प्रबंधन है वो हो गया। ठीक है, क्योंकि आप देखिए इम्पीरियल बैंक जो था वो था व्यापारिक बैंक और सेंट्रल बैंक के रूप में सिर्फ दो कार्य कर रहा था कि वो सरकारी बैंक था और बैंकों का बैंकर था। तो इस हिल्टन यंग कमीशन ने ये कहा कि यदि भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसका एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है तो एक केंद्रीय बैंक के जितने भी उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन उस पर्टिकुलर बैंक के द्वारा किया जाना चाहिए। और 1926 में बने इस हिल्टन यंग कमीशन ने अपने रेकमेंडेशन को 1927 में रखा। ठीक है, लेकिन क्या था, लेजिस्लेटिव असेंबली में इनका जो सुझाव था वो पारित नहीं हो सका था। उसके बाद क्या था कि 1931 में एक और समिति बनी जिसने सेम वही बात कही जो हिल्टन यंग कमीशन ने कही थी। इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी नामक इस कमेटी के रेकमेंडेशन पर आरबीआई बिल पारित किया गया। ठीक है, तो आरबीआई बिल जो है वो 1934 में पारित किया गया और इसी आधार पर आरबीआई एक्ट 1934 बना। तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 था उसी के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो वर्तमान स्वरूप है वो अस्तित्व में आया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई वो ही अप्रैल 1, 1935 को। ठीक है, अब देखिए 1947 को जब इंडिया और पाकिस्तान दो अलग देश बने तो क्या था, ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था वो पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक था। ठीक है, वो भारत का तो सेंट्रल बैंक था ही था लेकिन वो पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक था। और जो है जून 1948 तक जो आरबीआई है वो सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूप में इसने कार्य किया और 8 जुलाई 1948 से आरबीआई ने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य करना बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया।
अब देखिए, ये तो हुआ आरबीआई के जो गठन का इतिहास है वो, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है आरबीआई के गवर्नर्स के बारे में, क्योंकि इससे क्वेश्चंस हर बार पूछे गए हैं। आपको उन गवर्नर्स के नाम का सीक्वेंस दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि कार्यकाल में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको जमाइए, या वर्तमान जो गवर्नर है वो कौन है, या जो वर्तमान गवर्नर की जो रैंकिंग है वो कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे 1935 से 37 तक जिनका कार्यकाल था, उनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो है वो आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे, ये फर्स्ट गवर्नर थे। उसके बाद सेकंड में जो भी गवर्नर बने वो भी कोई ब्रिटिश ही थे, पर आरबीआई के जो तीसरे गवर्नर थे उनका नाम था सीडी देशमुख, जो कि आरबीआई के तीसरे गवर्नर थे, और इनका जो टेन्योर था वो था 1943 से 49 तक। तो ये जो सीडी देशमुख है वो आरबीआई के तीसरे गवर्नर थे, लेकिन आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यरत प्रथम भारतीय थे। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि सीडी देशमुख जो है वो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे, और इन्हीं के कार्यकाल में ही भारत स्वतंत्र हुआ था, या फिर इन्हीं के कार्यकाल में ही जो आरबीआई है उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इन केस अगर क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय उसके गवर्नर का क्या नाम था, तो उनका नाम था सीडी देशमुख। उसके बाद शक्तिकांत दास जो है वो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है, और उनकी जो रैंकिंग है वो है 25th। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो आरबीआई के वर्तमान जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उसके पहले उर्जित पटेल, उसके पहले जो रघुराम जी राजन थे, और उसके पहले जो भी थे, आप कम से कम अभी से लेकर इनके पिछले जो 7-8 है उसके नाम का सीक्वेंस जरूर ध्यान रखिएगा। शुरू शुरू में क्या था वो देखने की उतनी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, जो आरबीआई है उसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। ठीक है, और इसके 20 जो क्षेत्रीय कार्यालय है, रीजनल ऑफिसेस है, और 11 उप कार्यालय है। और आरबीआई का जो लेखा वर्ष है वो है 1 जुलाई से 30 जून के बीच। ठीक है, तो भारत में, हमारे भारत का जो वित्तीय वर्ष या लेखा वर्ष किसे कहा जाता है वो आपको पता है कि वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, लेकिन आरबीआई का जो लेखा वर्ष है वो अलग है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इस पॉइंट को ध्यान में ज़रूर रखिए कि इसका जो लेखा वर्ष है आरबीआई का वो है 1 जुलाई से 30 जून के बीच। अब देखिए कि आरबीआई है तो इस पर नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होंगे, तो ये जो आरबीआई है उसके कार्यों की देखरेख करने के लिए, इस पर नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जिसमें क्या होते हैं, 1 गवर्नर और 4 उप गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी मीटिंग जो है वो 1 साल में 6 बार होनी आवश्यक है। इसके साथ ही हर 3 महीने में उनकी 1 मीटिंग होती है, तो आप वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप ये जो बताया है उसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, आरबीआई के फंक्शंस के बारे में हम देखते हैं, तो सबसे पहला है नोट प्रचालन। ये आरबीआई जो है वो नोट छापती है। अभी हमने देखा है कि आरबीआई जो है वो एक बैंक भी है, तो आरबीआई में 2 अलग अलग डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट जो है वो जो नोट प्रचालन या नोट निर्गमन है उस पर नियंत्रण रखता है, और दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो ये बैंकिंग कार्यों को करता है और उस पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, तो आरबीआई के जो बैंकिंग कार्य है वो ये ध्यान रखिएगा कि बाकी बैंक से अलग है, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक है। तो उसके कार्य में पहले हम देखते हैं नोट प्रचालन या नोट निर्गमन। तो आरबीआई 1 रुपए के अधिक के जो नोट और सिक्के हैं वो जारी करता है, वो नोट इशू करता है, और 1 रुपए के अधिक के जो भी नोट और सिक्के हैं उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, तो आरबीआई को जो नोट प्रचालन है उसके लिए आरबीआई में न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई गई है।
इसे कहते हैं मिनिमम फंड सिस्टम। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि नोट छापने के लिए या नोट इशू करने के लिए, करेंसी इशू करने के लिए आरबीआई के पास मिनिमम 200 करोड़ की राशि होना अनिवार्य है। और ये जो 200 करोड़ की राशि है उसमें से 115 करोड़ की स्वर्ण होना आवश्यक है और 85 करोड़ की विदेशी मुद्रा होना अनिवार्य है। ठीक है, तो आरबीआई जब नोट प्रचालन करता है उसके लिए न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई गई है। इसके साथ ही अब हमने देख लिया है कि जो एक रुपए की करेंसी है, एक रुपए का नोट है या एक रुपए का सिक्के हैं, उसको वित्त मंत्रालय जारी करता है और उस पर वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। और एक रुपए के अधिक से जो भी सिक्के और नोट है वो आरबीआई जारी करता है और इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। दूसरा है बैंकिंग प्रणाली विनियामक, किस प्रकार से रेगुलेटरी बॉडी के रूप में कार्य करता है आरबीआई बैंकिंग सिस्टम में। तो देखिए, बैंकिंग सिस्टम जो है वो दो प्रकार से संचालित होता है, दो अधिनियमों के अंतर्गत संचालित होता है। पहला है आरबीआई एक्ट 1934, जिसके अंतर्गत आरबीआई की स्थापना की गई थी, और दूसरा जो है वो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, जिसके अंतर्गत इस आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया था। ठीक है, तो आरबीआई जो है वो बैंकिंग प्रणाली के विनियामक के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है कि आरबीआई कुछ ऐसे मापदंड या पैरामीटर्स निर्धारित करता है जिससे कि हमारे देश में जो बैंकिंग सिस्टम है वो अच्छे तरीके से संचालित हो सके, सुचारू रूप से संचालित हो सके। किसी भी बैंक को लाइसेंस देना या फिर उनके ब्रांच डिसाइड करना या फिर उनकी किस प्रकार से कार्य प्रणाली होगी, किस प्रकार से उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो आरबीआई निर्धारित करता है। इस प्रकार आरबीआई बैंकिंग प्रणाली के रेगुलेटरी बॉडी के रूप में कार्य करता है। उसके बाद है सरकारी बैंकर। तो सरकारी बैंकर के रूप में आरबीआई का क्या कार्य है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो आरबीआई है वो ऋण प्रदान करता है, उनके खाते रखता है। जो भी सरकारी प्रतिभूति बाजार में आती है, जो कि सिक्योरिटीज पेपर है, वो जब बाजार में आती है तो आरबीआई जो है वो लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि लोग उसे खरीदें और सरकार को जो चाहिए पैसा वो उनके पास उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो उनके खाते रखना, उनको ऋण प्रोवाइड करना या फिर उनके जो सिक्योरिटी पेपर्स हैं उसको मार्केट में लाना और उनका सही संचालन करना, ये आरबीआई के सरकारी बैंकर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो सरकारी बैंकर क्या आप एजेंट कह सकते हैं या आप सलाहकार कह सकते हैं आरबीआई को। उसके बाद है बैंकों का बैंकर। तो देखिए, जो आरबीआई है वो आम जनता से कुछ भी डिपॉजिट नहीं लेता है। ठीक है, लेकिन जो दूसरे कमर्शियल बैंक्स हैं या जो भी दूसरे अनुसूचित बैंक हैं वो सब के खाते आरबीआई में होते हैं, उनके सारे के अकाउंट्स आरबीआई में होते हैं। और उनको अगर दूसरे बैंक को जब लोन चाहिए होता है तो वो आरबीआई से लोन लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार आरबीआई को बैंकों का बैंकर कहते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल बैंक्स हैं, ठीक है, हमारे यहाँ जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, वो क्या है, आम जनता से जमा लेते हैं, उनको ऋण देते हैं। लेकिन जो आरबीआई है वो ना तो आम जनता को ऋण देता है और ना ही उनसे किसी भी प्रकार के डिपॉजिट स्वीकार करता है। ये क्या करता है, ये जो दूसरे बैंक्स हैं उनके अकाउंट्स रखता है, उनको ऋण देता है और उनकी उनकी जो जमा है या फिर उनके डिपॉजिट है वो स्वीकार करता है। इसलिए आरबीआई को बैंकों का बैंकर कहा गया है। नेक्स्ट है वित्तीय बाजार विनियमन। तो वित्तीय बाजार जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें बेसिकली जो मनी मार्केट है या मुद्रा बाजार है उसके रेगुलेटरी बॉडी के रूप में आरबीआई कार्य करता है। इसके साथ ही जो सरकारी प्रतिभूति बाजार है उसका भी विनियमन आरबीआई ही करता है। याद रखिएगा, हमने जब फर्स्ट डे पढ़ा था फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, तो उसमें जो पूंजी बाजार है जिसमें कि प्रतिभूति आते हैं, है ना, सिक्योरिटीज पेपर जो आते हैं, उसका विनियमन कौन कर रहा था, सेबी कर रहा था। पर जब हम आरबीआई को वित्तीय बाजार के विनियामक के रूप में बात कर रहे हैं तो हम सरकारी प्रतिभूति के बारे में बात कर रहे हैं, जो ट्रेजरी बिल और जो बाकी बिल है जिसको जो सरकार है वो इशू कर रहे हैं।
सिर्फ उनके लिए जो रेगुलेटरी बॉडी है वो आरबीआई है, और जो निजी क्षेत्र है या निजी फर्म है उनके जो सिक्योरिटी पेपर्स है या उनके जो शेयर्स हैं उन सब का जो रेगुलेशन है वो सेबी करता है, वो आरबीआई नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है विदेशी विनिमय। तो विदेशी विनिमय में क्या है, तो आरबीआई जो विदेशी एक्सचेंज रेट है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, या फिर उनके साथ जो हमारा आयात निर्यात का बैलेंस शीट है, या फिर आप कह सकते हैं विदेशी जो ट्रेड है, उन सब को संचालित करने में एक नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। किस प्रकार से कि विदेशी विनिमय, जो हमारा विदेशी विनिमय दर है वो एक निश्चित सीमा पर बनी रहे, क्योंकि फॉरेन ट्रेड तो इसी पर ही निर्भर करता है ना कि विदेशी विनिमय दर किस प्रकार से है। अभी जैसे किस प्रकार से है कि भारत का 70 रुपए जो है वो डॉलर, $1 के बराबर है, ये हमारा एक्सचेंज रेट है। तो आरबीआई जो है वो विदेशी विनिमय के लिए एक नियंत्रक के रूप में कार्य करता है भारत के। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वित्तीय समावेशन एवं विकास। तो वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन किसे कहते हैं, कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो या कोई भी हो, जो कि भारत की बैंकिंग प्रणाली और बैंकिंग सुविधाओं से दूर है, उसको बैंकिंग प्रणाली की मुख्य धारा से जोड़ना और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ प्रोवाइड करना, ये कहलाता है वित्तीय समावेशन। तो जो जनधन योजना है, इस टाइप की जो योजनाएं हैं वो वित्तीय समावेशन के लिए ही है ना। तो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना जो है आरबीआई का एक प्रमुख कार्य है। इसके साथ ही विकास, विकास यानी किस प्रकार हुआ, जो प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, या फिर जो लघु कुटीर उद्योग है, इस प्रकार से कुछ प्राथमिकता क्षेत्र तय किए गए हैं, ताकि जो पूंजी है या जो मुद्रा का प्रचालन है वो किसी पर्टिकुलर दिशा में, क्षेत्र में ना होकर उन दिशा में या उस क्षेत्र की ओर हो सके जिन्हें उस मुद्रा की जरूरत है। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र हो गया, ठीक है, कृषि क्षेत्र या लघु कुटीर उद्योग वाले हो गए, इन सब का जो है जो जिम्मेदारी है वो आरबीआई की है, इसीलिए नाबार्ड की स्थापना की गई है। हम आगे जब बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये कार्य कर रहा है। अभी सिर्फ ये समझते हैं कि वित्तीय समावेशन और विकास की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। उसके बाद देखते हैं मौद्रिक नीति और साख नियंत्रण। तो मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया क्या है, वो नेक्स्ट वीडियो इसी पर होने वाला है, तो उसको हम डिटेल में देखेंगे। और साख नियंत्रण का क्या अर्थ है, साख नियंत्रण का अर्थ है कि जो बैंक, उनकी जो ऋण देने की या लोन देने की जो क्षमता है उसे ही कहते हैं साख नियंत्रण। ठीक है, क्रेडिट जो नियंत्रण है, देखिए साख का जो निर्माण है या साख का जो फॉर्मेशन है, लोन जो है वो बाकी बैंक्स दे रहे हैं, और आरबीआई साख का गठन नहीं कर रहा है, साख निर्माण नहीं कर रहा है, उसका नियंत्रण कर रहा है। जब हम अभी मौद्रिक नीति देखेंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार आरबीआई जो है वो साख नियंत्रण को प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बाद है पेमेंट सिस्टम्स की निगरानी। पेमेंट सिस्टम के लिए अभी जो भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स अपनाए जा रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग जो भी अपनाई जा रही है, पेटीएम, भीम ऐप, जो भी, उन सब का सुरक्षित तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन हो सके और उनका जो कार्य है वो लोगों की आर्थिक, जो उनके आर्थिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है आरबीआई की और जो बैंक की है वो सुनिश्चित हो सके, इस बात की जिम्मेदारी भी आरबीआई की है। ठीक है, उसके बाद है समाशोधन गृह के रूप में कार्य करना, क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य करना। तो जो बैंक्स हैं उनका आपस में जो भी डिस्प्यूट्स हैं या डिसएग्रीमेंट्स हैं, उन सब के क्लैरिफिकेशन के लिए या उन सब के समायोजन के लिए, उनको सेटल करने के लिए आरबीआई जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही आरबीआई के और क्या फंक्शंस हैं, कि ये सरकार को सलाह देता है आर्थिक मामलों में, मौद्रिक मामलों में, वित्तीय मामलों में। इसके साथ ही बहुत प्रकार के आंकड़े जारी करता है आरबीआई, कुछ वाणिज्यिक आंकड़े हो गए, आर्थिक आंकड़े हो गए। ठीक है, तो हम उसको लास्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि किस प्रकार के कौन कौन से इंडेक्स जो है या किस प्रकार के रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तब उनमें से एक प्रकार होगा कि आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले रिपोर्ट। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।